लोकसभा समान निर्वाचन 2019 के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 26 फरवरी को कलेक्ट्रेट स्थित NIC का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल में 4 चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया तथा कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कोई कनेक्शन न दिया जाए, जब भी कनेक्शन या डिसकनेक्शन किया जाए तो कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच हमेशा ऑफ होने की दशा में रहे, ये आप सब ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी आप सबको कहते हैं कि ड्यूरिंग द पोल या टेस्ट वोट के दौरान या मॉक पोल के दौरान जो ये देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि सनलाइट सीधे जो है वीवीपैट की स्क्रीन पर आ रही है, ये आपको इंश्योर करना होगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट होगा और मेज पर थर्ड पोलिंग ऑफिसर के अधीक्षण में होगी, वो उसको मॉनिटर करेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं कि सीधे प्रकाश में ना हो, उस पर सीधे सनलाइट ना पड़े या कोई इंटेंस लाइट उस वीवीपैट की स्क्रीन पर ना पड़े, क्योंकि फिर वो फैक्ट्री मोड में चले जाने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए इसकी ये तकनीकी एक रिक्वायरमेंट है। एक अगर तो एक घंटे पहले, एक घंटे मतलब 5 मिनट और आप जोड़ लें, 1 घंटे 5 मिनट जोड़ लें, पूरी तैयारी रहे मॉक पोल स्टार्ट करने की। जो मॉक पोल होगा उसमें 50 वोट डाले जाने हैं। जैसे अगर कहीं 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव तो एक ही बैलेट यूनिट यूज होगी, क्योंकि मैक्सिमम 16 उसमें कैंडिडेट हो सकते हैं इंक्लूडिंग नोटा। तो अगर एक बैलेट यूनिट है तो आप पीठासीन अधिकारी की मेज पर तीनों मशीनें रख दीजिए। कंपार्टमेंट में मॉक पोल कराने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग कंपार्टमेंट में ही जाके तीनों मिस कर देते हैं, वहां क्योंकि जगह एक सीमित होती है। आप पीठासीन अधिकारी की मेज पर मॉक पोल ओपन भी कराइए और 50 वोट यानी एक एक वोट हर एक कैंडिडेट में फिर रिपीट कर दीजिए 50 जहां खत्म हो जाए। मॉक पोल खत्म होने के बाद सबको दिखा दीजिए, प्रमाण पत्र भर करके सबसे दस्तखत करा दीजिए जो उपस्थित लोग हैं। इसके बाद मॉक पोल को क्लियर करना है। पिछले उपचुनाव में राजस्थान में 15 जिले ऐसे थे जिन्होंने मॉक पोल को क्लियर नहीं किया, तो न केवल पीठासीन अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ने दंडित किया बल्कि उसके सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी दंडित किया गया। प्लीज डू इंश्योर, आप इसको कहीं नोट कर लें कि मॉक पोल कंडक्ट कराना बहुत जरूरी है, उसका प्रमाण पत्र बिना मॉक पोल कराए वो पूरा प्रोसेस विशेष हो जाएगा, अर्थात ये माना जाएगा कि उस पर चुनाव हुआ ही नहीं।